मंगलवार की संध्या पत्रगामा मुख्य चौक के ठीक बगल में भाजपा प्रत्याशी अमित कुमार मंडल एवं भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश झा के हाथों भाजपा की चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राजेश झा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि एक एक कार्यकर्ता को अमित मंडल को समझना होगा, तभी हम चुनाव जीत पाएंगे। आज नरेंद्र मोदी का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। भाजपा के द्वारा हो रहे विकास कार्यों को कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर बताने को कहा। वहीं अमित मंडल ने संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता के बिना चुनाव जीतना मुश्किल है। वहीं मौके पर मंडल अध्यक्ष मुन्ना झा, मदन महतो, 20 सूत्री अध्यक्ष नरसिंह भगत, महामंत्री रामस्वरूप पंडित आदि दर्जनों कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद थे। बैरागी बाबा के अंदर जो खामियां है और विपक्षी का जो बैकफुट में चला गया है गठबंधन धर्म को टूटने के बाद जो नतीजा हो रहा है उसके बारे में भी आपको क्षेत्र की जनता से चर्चा करनी है, इसलिए मैं यहां उपस्थित हुआ हूं आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। और निश्चित तौर पर मैं आपको यह बता दूं, जैसा सियाराम मगध जी ने कहा कि हम लोग 35,000 से अगर पिछली बार जीते तो निश्चित तौर पर यह आंकड़ा इस बार 50,000 जाएगा। जहां पर भी आ रहा हूं क्षेत्र में, तो वहां पे मैं जनता की आंखों में देख रहा हूं कि जो अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी का 2019 में था उस रिकॉर्ड को भी हम लोग इस बार तोड़ने वाले हैं, क्योंकि आपका विधायक आपके बीच का विधायक रहा है, आपके सुख में आपके दुख में हमेशा आता जाता रहा है। और निश्चित तौर पर ये फैक्टर भी जब आपको मिलेगा तो हम लोगों का आंकड़ा 50,000 पार होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत कुछ नहीं है बोलने के लिए, आप लोगों को सबको रणभूमि में चले जाना है आज से, इसीलिए कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है, इसीलिए मैं सबको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। साथ ही यहाँ पर आप जितने भी कार्यकर्तागण है आप लोग यहीं बैठे रहे हैं, मोबलर की भी व्यवस्था हुई है तो वो रास्ते से चला है गुड्डा से, तो यहाँ पे आएगा एक एक करके हर कार्यकर्ता को यहाँ पे मिल जाएगा। बादल ठाकुर जी आ रहे हैं, हम लोग आपसे इजाजत मांगते हुए आप लोग तड़िया जाएंगे, तड़िया में संतोष पंडित के यहाँ शादी है, वहां से अटेंड करते हुए वापस हम लोग गुड्डा की तरफ रवाना होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।